जीत एकेडमी के इस सेगमेंट में पुनः एक बार आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि विगत कुछ महीनों से किंचित कारणवश हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब अभी हाल ही में जो यूजीसी नेट का सिलेबस आया है और जो नेट की एग्ज़ाम की प्रक्रिया होने वाली है, उस संदर्भ में कुछ आपसे हम बातें करेंगे और शीघ्र ही यानी कि कल से हम आपके सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुरातत्व के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जो कि पूरी तरह से फ्री होंगी। अगर हम नेट के फॉर्म की बात करें जो एनटीए द्वारा कराया जाता है, उसकी जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 16 मार्च 2020 को हमारा फॉर्म आ रहा है और 16 अप्रैल 2020 लगभग एक महीने फॉर्म की डेट रहेगी। आप लोग चाहे आर्कियोलॉजी के, हिस्ट्री के या जिस भी विधा के छात्र हों वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म के एडमिट कार्ड प्राप्त करने की डेट 15 मई रखी गई है और 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में एग्ज़ाम होने की पूरी प्रबल संभावना है जैसा अभी तक सूचना नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ जून के लास्ट मंथ में आपके लिए आंसर की उपलब्ध होगी और जुलाई फर्स्ट वीक में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम पिछले दिसंबर वाले अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, उसमें जो नेट और जेआरएफ के रिजल्ट्स आए हैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में, उसमें अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो देखते हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए या अन रिजर्व कैटेगरी की बात अगर हम करें तो उसमें 66% मेरिट गई थी जिसमें 3 जेआरएफ हुए थे और 57.33 सामान्य सीट के लिए गया था जिसमें कि हमारे सामने 32 नेट हुए थे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वहाँ पर 64% के आसपास मेरिट गई थी जिसमें 1 जेआरएफ हुआ था और नेट के लिए 50.67% नेट के लिए 14 बच्चे क्वालिफाई किए थे ईडब्ल्यूएस में। वहीं ओबीसी में जो मेरिट गई थी वो गई थी 62.67% जिसमें 2 बच्चे जेआरएफ हुए थे और नेट के लिए 52.67% मेरिट गई थी जिसमें से 27 बच्चे नेट हुए थे। वहीं अगर एससी की बात की जाए तो एससी में 56% मेरिट गई थी जेआरएफ के लिए जिसमें 1 बच्चा जेआरएफ हुआ था। वहीं नेट के लिए 48% मेरिट गई थी जिसमें 13 बच्चे नेट हुए थे और एससी एसटी की बात की जाए तो वहाँ 53.33% पर 1 बच्चा जेआरएफ हुआ था और 46% पर हमारे सामने 6 बच्चे नेट लेकर आए। इस हिसाब से अगर हम मोटा मोटी देखें तो आपको टारगेट बेहतर लेकर चलना होगा क्योंकि आर्कियोलॉजी में बच्चे कम भरते हैं इसलिए मेरिट हाई जाती है। अगर वहीं इसके सापेक्ष हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी जो थी अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में 62.67% पर जो है जेआरएफ हुआ था जिसमें 123 बच्चे जेआरएफ हुए थे और 55.33% पर 1906 बच्चे नेट हुए थे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 60.67% पर 33 बच्चे जेआरएफ हुए थे और 50.67% लेकर 535 बच्चे नेट हुए थे। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 59.33% पर 111 छात्र जेआरएफ एवं 51.33% के साथ 1302 बच्चे नेट हुए थे। एससी की बात की जाए तो एससी में 56.67% के साथ 56 बच्चे जेआरएफ हुए थे एवं 48% के साथ 897 बच्चे नेट क्वालिफाई हुए थे। वहीं एससी एसटी की बात की जाए शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो शेड्यूल ट्राइब का जो परसेंट गया था जेआरएफ का वो गया था 56% जिसमें 27 बच्चे जेआरएफ हुए थे और नेट के लिए 47.33% मेरिट गई थी जिसमें 44 बच्चे नेट हुए थे। तो ये पिछले दिसंबर के जो रिजल्ट आया है उसकी मेरिट इस प्रकार है। आप लोग इस मेरिट को ध्यान में रखकर अपने को इन जो जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उससे कम से कम 5-6% बढ़ाकर, या तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 10-15% आप बढ़ाकर इसको दिमाग में रखकर तैयारी करेंगे तब आप इस कैटेगरी में आके रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो डेटिंग को लेकर होगा आर्कियोलॉजी में, जो यूनिट हमारी पहली यूनिट का पार्ट है।
तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जो है सापेक्ष और निरपेक्ष, अब्सोल्यूट और रिलेटिव डेटिंग की बात करेंगे बारी बारी से। उसमें दो वीडियो होंगे, एक वीडियो में हम लोग सापेक्ष तिथि की बात करेंगे, दूसरे वीडियो में निरपेक्ष तिथि की बात करेंगे। अब आपके सामने वीडियो हमारे शीघ्र ही आते रहेंगे। धन्यवाद।